यानी कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा कल क्या हुआ और आज क्या होगा और फाइनल डिसीजन आखिर हुआ क्या, अब ऑनलाइन एग्जाम्स होगा या फिर आपका ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, डेट स्टैंड बढ़ोगी या बढ़ेगी भी नहीं। उसके अलावा दोस्तों मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया, पवन भैया का भी, पवन बुलाना सर जो है उनका भी कुछ अपडेट निकल के आ रही है, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आप ये, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, यूपी सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया, योगी ने कहा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए गोपिल कोतवाल सर, जो कि आपको पता है एकेटीयू छात्रों के लिए कितना उन्होंने जद्दोजहद की, कितना उन्होंने मेहनत की, उन्होंने क्या जो है ट्वीट किया, उन्होंने क्या कहा कि एकेटीयू के छात्र अब भाजपा की रैलियों में जाकर ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और ये जिद्दी हैं जिद्दी, जबकि एकेटीयू स्टूडेंट छात्र जाग रहा है, ये इन्होंने ट्वीट किया, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने छात्र जो है एनडीटीवी के पत्रकार को जो है अपने ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर मांग कर रहे हैं, आपको मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ थोड़ा। ये वीडियो पहले आप देखिए, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ। कहाँ से आए आप? सर मेरठ से आए हैं। सर क्यों आए हैं यहाँ पे? सर हमारी मांग है कि हमारे ऑनलाइन एग्जाम कराए जाए, हमारी यूनिवर्सिटी एकेडी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम करा रही है। सर इस टाइम ओमिक्रॉन इतने केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में 4 लाख स्टूडेंट हैं, 4 लाख समझिए सर, ऑफलाइन एग्जाम देंगे तो कितना ओमिक्रॉन फैलने के चांसेस है, ओमिक्रॉन फैलने से उन बच्चों से उनकी फैमिली को भी चांसेस हो। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी आप लोगों? हमने बहुत ट्राई किया, ट्विटर पे हम लोग एक महीना से चला रहे हैं ट्रेंड कि हमारी मांग पूरी की जाए, सुनी जाए। हमने एक एक यू वीसी के पास भी किया, लेकिन वीसी बोल रहा है कि नहीं मुझे ऑफलाइन एग्जाम कराना है। क्यों? क्योंकि वो ऑफलाइन एग्जाम करा के बच्चों के बैक लगाएगा और वो पैसे कमाएगा बैक लगा के। ऑनलाइन एग्जाम कराने का हमारा पहले हमारे पास वैलिड रीज़न है। योगी जी क्या करेंगे? योगी जी आज के लखनऊ में अपने सभा में उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम को बढ़ावा दिया जाए। टैबलेट बांटा है, लैपटॉप बांटा है, क्यों बांटा है? जब ऑनलाइन एग्जाम ही नहीं करा पा रहे हैं तो क्यों बांटा है फिर? हमारी मांग है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए। ऑनलाइन एग्जाम में हमें जितना करते हैं हमें उतना मार्क्स मिलता है। और दूसरी बात कि नौ महीने में एकेटीयू 3 सेमेस्टर करा रहा है, बाकी 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, 6 महीना पे 1 सेमेस्टर होता है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है सर अभी तक। ये आप देखिए मेरठ से यहाँ पर आए हुए हैं, तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है, तो ये अपनी समस्या को लेकर आए हुए हैं, लेकिन योगी की रैली अभी चल रही है, अभी कुछ और लोगों से हम आपकी बातचीत करवाएंगे। तो गाइस जैसे कि आपने वीडियो देखा कि 2 छात्र हैं जो कि मेरठ से आए हुए थे और 60 किलोमीटर डिस्टेंस से वो योगी जी की रैली थी, रथ यात्रा थी, उसमें जाकर उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम से लेकर बात कही और कहा कि ओमिक्रॉन की तेज़ी की वजह से बढ़ते की वजह से हम जो है ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग कर रहे हैं। देखिए अब एनडीटीवी के जरिए अगर यूपी के मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचती छात्रों की तो ज़रूर ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, बट फाइनल डिसीजन अभी तक क्या हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। उसके अलावा योगी जी ने एक ट्वीट किया था कि देखिए हमें श्रद्धे अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ी बात नहीं होता और टूटे मन से कोई भी खड़ा नहीं होता, युवा साथियों सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए, विराट सोच आपके व्यक्तित्व को भी एक नई विराटता प्रदान करेगी। आपको पता कल जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या था दिवस था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक स्टूडेंट है, इन्होंने क्या एमडी तौकीर मोहम्मद तौकीर है कहने की प्लीज़, इन्होंने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट ऑफलाइन एग्जाम्स एंड इमीडिएटली कैंसिल यू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम्स बिकॉज ओमिक्रॉन इनक्रेज डे। अब कहने का मतलब यह है कि एकेटीयू के छात्र योगी जी की रैलियों में बीजेपी की भाजपा की रैलियों में जा जाकर ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारे स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स की डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक योगी जी की एक ट्वीट के नीचे इन्होंने एक ट्वीट किया सोनू कुमार ने कि आलोक सर जो कि टेक्निकल मिनिस्टर है, इन्होंने कहा सर वाई यू आर एंटी स्टूडेंट प्लीज़ अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम एंड कंडक्ट एकेटीयू सेमेस्टर एग्जाम्स इन ऑनलाइन मोड। कहने का मतलब ये है कई सारे छात्र इस तरीके से जो है जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं उनको पत्र लिख रहे हैं, उनको अप्लीकेशन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में जितने भी मिनिस्टर हैं जितने भी, एक दूसरी भी अपडेट यह है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी अपना सब कुछ बंद कर दिया, यानी ऑफलाइन जितने भी सारे काम थे उन्होंने कोरोना ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस की वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय फिर बंद हो चुका है, ऑनलाइन मोड में होगी क्लासेस। तो आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर बंद हो सकती तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बंद हो सकती। उसके अलावा पवन बुलाना सर ने क्या ट्वीट किया, देखिए यहाँ पे मिस्टर योगी आदित्यनाथ सर को इन्होंने ट्वीट किया कि हम सभी एकेटीयू के छात्र आपके आभारी रहेंगे, जैसा कि आज आप बोल रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम्स को बढ़ावा दिया जाए, आप वीडियो में आपको अभी मैं दिखाऊंगा अगर हमारा भी एग्जाम्स ऑनलाइन आप करा दे तो धन्यवाद, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, पवन बलान सर ने ट्वीट किया है। तो अभी आप पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको बता दूँ। टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जुड़ेंगे जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत